अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लेबनान के अंदर घुसने की इसराइली कोशिश हो रही है नाकाम। हिजबुल्लाह से मिल रही है कड़ी टक्कर। मजीद 12 इसराइली फौजियों को हलाक करने का हिजबुल्लाह ने किया दावा। इसराइल ने गजा में किया एक और सफाकाना हमला। मस्जिद और स्कूल पर बरसाए बम, 50 अफराद शहीद। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा, दुश्मन के लिए तकलीफ दे और महंगी जंग का हमने किया है इंतकाम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को बताया गजा का कसाई। कहा, हिटलर को इंसानियत के इत्तेहाद ने रोका था, नेतन्याहू को भी इसी तरह रोका जाएगा। हरियाणा में एग्जिट पोल्स हुए बुरी तरह नाकाम। बीजेपी को मिल रही है सबसे ज्यादा सीटें। विनेश फोगाट की जीत, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट लेकिन सीटें मिली बीजेपी को। ट्रेंड पर उठ रहे हैं सवाल। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बीजेपी को कर दिया पूरी तरह से मुस्तरद। इलेक्शन में मिली करारी हार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर दर्ज की रिकॉर्ड जीत। उमर अब्दुल्ला बनेंगे कश्मीर के नए सीएम। और कश्मीर में आम आदमी पार्टी का भी खुला खाता। डोडा सीट से आप लीडर महराज मलिक ने दर्ज की तारीख जीत। बीजेपी उम्मीदवार को 4000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये थे हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साउथ लेबनान में जारी झड़पों के दौरान हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह ने मजीद 12 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने लेबनान की सरहद पर अपनी जमीनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। साउथ लेबनान में इसराइली अफवाज ने अपने मजीद दस्ते पहुंचा दिए हैं। इसराइल ने 3 रिजर्व ब्रिगेड्स को उनके दस्तों की वीडियो जारी कर दी है। साउथ लेबनान में इसराइली बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत 17 अफराद शहीद हो गए। लेबनान के कई कस्बों में इसराइली फोर्सेज और हिजबुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान झड़पें हो रही हैं। इसराइल के हमलों पर हिजबुल्लाह के जवाबी वार में 12 फौजी हलाक हुए। उधर लेबनान पर इसराइली बमबारी के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में फौजियों पर मिसाइल और सैकड़ों रॉकेट हमले कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और नॉर्थ इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों बिशमुल हैफा में मिसाइल और रॉकेट हमलों से फौजियों को निशाना बनाया और 190 रॉकेट दागे। इसराइली मीडिया का कहना है कि तेलबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाकई इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब इसराइल ने हिजबुल्लाह के 5 में से कुछ रॉकेट मार गिराने और बाकी खाली इलाके में गिरने का दावा किया है। הראשונית זה אחד, הנה שתיים פה, הכל עשן בשפרינצק। इसराइली फौज ने गजा में एक और सफाकाना हमला करते हुए मस्जिद और स्कूल पर बम बरसा दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने सेंट्रल गजा में मस्जिद और स्कूल पर बमबारी की जिसके नतीजे में 24 अफराद शहीद और 93 जख्मी हो गए। अरब मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाले इसराइली हमलों में कुल 50 अफराद शहीद हुए हैं। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि हमने तवील जंग लड़ने का इंतकाब किया है जो दुश्मन के लिए तकलीफ दे और महंगी साबित होगी।
حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے طوفان الاقصی کا ایک سال مکمل ہونے پر الجزیرہ پر نشر ہونے والے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے طوفان الاقصی تب شروع کیا جب مسجد اقصی کی سلامتی انتہائی خطرناک مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن طوفان الاقصی کے ذریعے ہم دشمن پر پہلے ہی حملہ آور ہو گئے۔ یہ دور جدید کا سب سے کامیاب کمانڈو آپریشن تھا جس میں دشمن کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کی قیمت ادا کرے گا۔ انہوں نے یہ بات 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے جواب میں جنگ کی پہلی برسی کے موقع پر کہے۔ انہوں نے ایکس پر کہا، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل جلد یا بدے اس نسل کشی کی قیمت ادا کرے گا جو وہ ایک سال سے کر رہا ہے اور بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کو غزہ کا قصائی قرار دیتے ہوئے اور ان کا موازنہ نازی جرمنی کے ایڈولف ہٹلر سے کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ جس طرح ہٹلر کو انسانیت کے اتحاد نے روکا تھا، نتن یاہو اور ان کے قتل کے نیٹورک کو اسی طرح روکا جائے گا۔ میکسیکو کے صوبے گویررو کے صدر مقام چلپان جیگو کے میئر الیہاندرو آرکوس قاتلانہ حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کے مطابق ان کی موت کی تصدیق اس وقت کی گئی جب سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہوا تھا جس میں ایک پک اپ ٹرک کے اوپر ایک کٹا ہوا سر رکھ کر دکھایا گیا تھا اور یہ قتل وہ میئر کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ بلٹن میں خبریں ابھی اور بھی ہیں، فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ ہریانہ میں آج صبح سے ہی الیکشن کے نتائج میں بی جے پی کو آگے بڑھتا ہوا دکھایا گیا، جس کے بعد ایگزٹ پولز پر سوال اٹھنے لگے۔ حالانکہ گراؤنڈ رپورٹس پر مبنی ایگزٹ پولز میں میجورٹی سے کانگریس کی حکومت بنتی نظر آ رہی تھی، تاہم جیسے رجحانات آنے شروع ہوئے بی جے پی نے آگے نکل کر تمام ایگزٹ پولز کو ناکام ثابت کر کے دکھایا۔ اس درمیان ہریانہ کے جو ٹرینڈ سامنے آئے ہیں وہ کافی چونکا دینے والے ہیں۔ ہریانہ الیکشن کے عجیب ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں ووٹ پرسنٹیج میں کانگریس سب سے آگے ہے تو وہیں سیٹیں سب سے زیادہ بی جے پی کو ملتی دکھائی دے رہی ہیں۔ رجحانات میں جہاں بی جے پی کو 49 سیٹیں ملتی دکھائی گئی ہیں تو وہیں کانگریس 36 سیٹوں پر ہی رک گئی ہے۔ اس دوران کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ہریانہ کے نتائج دھیرے دھیرے جاری ہونے کو لے کر کانگریس پارٹی الیکشن کمیشن پہنچ چکی ہے۔ جیرام رمیش نے بھی کانگریس کارکنوں سے کہا ہے کہ ہریانہ میں بدلتے رزلٹ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مائنڈ گیم چل رہا ہے۔ ادھر ہریانہ کی جلانہ اسمبلی سیٹ اس بار شروعات سے ہی ریاست کی سب سے ہاٹ سیٹوں میں شمار کی گئی۔ اس سیٹ پر کانگریس نے پہلوان ونیش پھوگاٹ کو ٹکٹ دے کر انتخابی میدان میں اتارا تھا۔ اس سیٹ سے ونیش پھوگاٹ نے بڑی جیت درج کر دی ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے کیپٹن یوگیش بیراگی کو شکست دی۔ ونیش پھوگاٹ نے بی جے پی امیدوار کو 5761 ووٹوں کے مارجن سے شکست دی ہے۔ وہیں آئی این ایل ڈی کے سریندر لاٹھر تیسرے اور عام آدمی پارٹی کی کویتا دلال 5ویں نمبر پر رہیں۔ راجستھان کے سابق سی ایم اور سینئر کانگریس لیڈر اشوک گہلوت نے ہریانہ کے ریزلٹس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حالات تو شام تک کلیئر ہو جائیں گے کہ الیکشن ریزلٹس کیا ہوں گے اور کیا نہیں، لیکن امید تو یہی ہے کہ کانگریس جیت رہی ہے۔ جو ٹرینڈ آئے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ٹرینڈ آئے وہ بڑا وشواس کرنے یوگی نہیں ہے۔ ابھی شام تک اس طرح ہوگا، کیا کارن رہے ہوں گے، کیا کم زیادہ آ رہے ہیں، تو ابھی پرنام آنے باقی ہیں۔ ابھی ہے کیا امید آپ؟ نہیں دیکھیے، امید تو کل میں نے بتائی تھا آپ کو کہ جیت رہی کانگریس۔ اب جو ٹرینڈ آ رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شام تک انتظار کیجیے، پر جو جس پرکار سے پرسنٹیج وائز زیادہ آئی کانگریس صبح سے ہی، لیٹسٹ آنکڑے آپ کے سامنے ہیں،
तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जितनी कांग्रेस ये बातें सब शाम को रात को पार्टी हाईकमांड पूरी तरह एनालिसिस करेगी, उसके बाद में सामने आया कि क्या जीत क्या हार हुई है और क्यों हुई है, उसमें बात मालूम है। जयराम रमेश जी ने कहा तो उन्होंने सोच समझ के कहा वहाँ पर। हरियाणा में बीजेपी की जीत अब तय मानी जा रही है, तो वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए हरियाणा रिजल्ट्स को ताज्जुब खैस करार दिया। साथ ही उन्होंने इशारों इशारों में इसके लिए ईवीएम को भी जिम्मेदार ठहराया। भाई उलट फिर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन क्या गणित रहे ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। इस बार लग रहा था हरियाणा में कांटे की टक्कर के बाद में कांग्रेस आगे रहेगी, लेकिन रिजल्ट देखो वहां पे कास्टिज्म का बड़ा खेल है, किसान वर्सेस अदर्स में चुनाव का खेल खेलते हैं और बहुत साइलेंट तरीके से खेलते हैं। ये बड़ा घपला है किस्म से वहां पे। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहादत हुई और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहाँ से रही, गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई असर नहीं। हाँ असर कम दिखाई दिया, असर कम दिखाई दिया। तो आपका ये मानना है कि जनता वोट नहीं दे रही, पर वोट कहाँ से आ रही, वोट कहाँ से आ रही ये पता नहीं भाई, वोट कहाँ से आ रही, तो आपका क्या मानना है कहाँ से आ रही? और भाई क्या पता कहाँ से आ रही, हम ही क्या बताते, हम तो अपनी वोट दे हुए यहाँ पे भी, जब चुनाव हो वोट आवे, जैसे अभी गन्ने की समितियों के चुनाव हुए और सबने देखा कि पर्चे कैंसिल हुए और उनके कैंडिडेट जीत गए बगैर वोट के, तो वोट आवे ऐसे। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने रिकॉर्ड जीत हासिल कर ली है। जम्मू कश्मीर के 90 सीटों के आए रुझानात में उमर अब्दुल्ला जीत चुके हैं, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले ही 41 सीटों पर आगे निकलकर सीएम के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी 25 सीटों पर आगे है, तो वहीं 8 सीटों पर आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किए जाने का ऐलान पार्टी की जानिब से भी कर दिया गया है। कश्मीर में फारूक और उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद करके मिली शानदार जीत के बाद साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत की फजा परवान चढ़ानी है और एक दूसरे के लिए भरोसा कायम करना है। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें, यह हमारा पहला काम है। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया, मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम कोशिश करेंगे उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं, उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है, हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं
जो इंडियन अलायंस है वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहां पे वापस आया जाए। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। कश्मीर की सबक सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए उन्होंने वोट डाला, मजबूत सरकार का बनना बहुत जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कयादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत जरूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूं और उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एकतरफा मैंडेट नहीं होगा, तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रही हैं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इल्तिजा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाहवेरी ने शिकस्त दी है। 12वें राउंड की गिनती के बाद बशीर अहमद को 31,292 वोट मिले, जबकि इल्तिजा मुफ्ती को 22,534 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार सूफी यूसुफ रहे, जिन्हें सिर्फ 3,468 वोट मिले। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है। कश्मीर की डोडा असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने तारीखी जीत हासिल की है। उन्होंने 4,700 वोटों से जीत हासिल की, उन्हें 22,944 वोट मिले, तो वहीं उनके हरीफ बीजेपी उम्मीदवार गजय सिंह राणा को 18,174 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहे। हरियाणा में इस मरतबा के असेंबली इलेक्शन के शुरुआती रुझानों में बड़ा उलट फेर देखने को मिला। कांग्रेस के पीछे होने की खबरों के दरमियान बीजेपी की एमपी और एक्ट्रेस कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर जलेबी की तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस का नाम लिए बगैर तंज किया है। कंगना रनावत और बीजेपी के तर्जमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तनकीद की। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जलेबियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, #हरियाणा इलेक्शन 2024। आपको बता दें कि शुरुआती रुझानात में कांग्रेस को सबकत मिलते देखकर कांग्रेस कायदीन ने कहा था कि पीएम मोदी को जलेबी तोहफे में भेजी जाएगी, जिसका जवाब कंगना ने इस तरह दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत के दौरान ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है, जबकि क्राइम में भी बेइंतहा इजाफा हुआ है। कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर वन, नशे के कारोबार में हम नंबर वन। नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर वन। मैं बार बार कहता हूं, यह सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, यह सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं, यह सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार 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 क्यों दोहराता हूं, हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को, सारे संस्थानों को, सारे मीडिया जगत के ईमानदार
काम करने वाले जर्नलिस्टों को बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत प्रमुखता से आप लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया, ये जर्नलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि प्रदेश का बेटा नशे में जा रहा है, भविष्य खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है। आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के? 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है, और नशे के तरीके क्या क्या हो गए? शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैट्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का सबसे पहले अभी 2 दिन पहले के 2 बयान आपको मैं सुनवाना चाहता हूं, फिर कांग्रेस पार्टी अपनी बात नए सिरे से रखेगी और मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। हाँ, और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लेबनान के अंदर घुसने की इसराइली कोशिश हो रही है नाकाम। हिजबुल्ला से मिल रही है कड़ी टक्कर। मजीद 12 इसराइली फौजियों को हलाक करने का हिजबुल्ला ने किया दावा। इसराइल ने गजा में किया एक और सफाखाना हमला। मस्जिद और स्कूल पर बरसाए बम, 50 अफराद शहीद। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा, दुश्मन के लिए तकलीफ दे और महंगी जंग का हमने किया है इंतकाम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को बताया गजा का कसाई। कहा, हिटलर को इंसानियत के इत्तेहाद ने रोका था, नेतन्याहू को भी इसी तरह रोका जाएगा। हरियाणा में एग्जिट पोल्स हुए बुरी तरह नाकाम। बीजेपी को मिल रही है सबसे ज्यादा सीटें। विनेश फोगाट की जीत, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट लेकिन सीटें मिली बीजेपी को। ट्रेंड पर उठ रहे हैं सवाल। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बीजेपी को कर दिया पूरी तरह से मुस्तरद। इलेक्शन में मिली करारी हार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर दर्ज की रिकॉर्ड जीत। उमर अब्दुल्ला बनेंगे कश्मीर के नए सीएम। और कश्मीर में आम आदमी पार्टी का भी खुला खाता। डोडा सीट से आप लीडर महराज मलिक ने दर्ज की तारीखी जीत। बीजेपी उम्मीदवार को 4000 से ज्यादा वोटों से हराया। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।